आज हमने घर में से ही मिल जाए ऐसी सामग्री का इस्तेमाल करके एक हेल्दी आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया है, जिसे पीने से हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत मिलेगी। सर्दी खांसी और गले में खारश है तो उसमें ये काढ़ा पीने से बहुत ही राहत मिलेगी। दोस्तों, खास करके जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें हमें हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जिसे हमें कोई भी बीमारी आसानी से छू नहीं पाएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं इम्यूनिटी बूस्टर आयुर्वेदिक काढ़ा बनाना। काढ़ा बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ी इलायची, चार छोटी इलायची, दो दालचीनी के टुकड़े, एक टीस्पून चाय की पत्ती, 10 काली मिर्च, एक टीस्पून अजवाइन, एक टीस्पून जीरा, 4 से 5 लौंग और 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी और काली मिर्च, इसे हम थोड़ा दरदरा कूट लेते हैं। इसे हमने दरदरा ही कूट लिया है। 250 ml कप का माप से 3 कप पानी लिया है। ये 750 ml पानी है। इसमें ये मसाले डाल देंगे। अदरक को भी थोड़ा कूट के डालेंगे। ये कूटा हुआ अदरक भी डाल देंगे। जीरा, अजवाइन और चाय पत्ती भी डाल देंगे। 1/4 कप जितना फुदीने के पत्ते को मैंने अच्छे से पानी से धो के लिया है और 20 से 25 तुलसी के पत्ते हैं, इसे भी अच्छे से पानी से धो लिया है, इसे भी डाल देंगे। तुलसी के पत्ते अगर नहीं मिले आपको तो इसके बगैर भी आप काढ़ा बना सकते हैं, लेकिन तुलसी के पत्ते मिले तो आप जरूर डालें, क्योंकि तुलसी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदा कारक है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदा कारक है। गैस चालू कर देंगे। इसे हमें उबालना है। एक उबाल आ जाए तब तक हमें इसे तेज आंच पे गर्म करना है। इसमें एक उबाल आ गया है, इसे हम मीडियम टू तेज आंच पे उबालेंगे। आधा रिड्यूस हो जाएगा तब तक इसे उबालना है। इस काढ़े में हम चीनी या कोई भी मीठी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसे हम एकदम टेस्टी और चटपटा काढ़ा बनाएंगे, ताकि घर के सारे लोग आसानी से इस काढ़े को पी सके। 15 से 20 मिनट काढ़े को मैंने उबाला है। ये आधा हो गया है, बस अभी हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। 1/2 टीस्पून काला नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून नींबू का रस। काढ़ा रेडी है, अभी हम इसे छान लेते हैं। ये काढ़ा बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार बना के पियेंगे तो आपको ये काढ़ा बार बार पीने का मन करेगा। इन सारी चीजों को हम इस तरह से दबा के छान लेते हैं। गर्मा गर्म काढ़ा रेडी है। इस काढ़े को सुबह में एक बार आप पी सकते हैं। नॉर्मल चाय का कप रहता है, ये 1 कप भर के आप ये काढ़ा सुबह में आप ले सकते हैं। ये काढ़ा पीने से हमारी इम्यूनिटी सिस्टम एकदम स्ट्रांग बनती है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। तो दोस्तों, ये काढ़ा बना के खुद पिए, घर वालों को पिलाइए। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और आनंदित रहे। अपना ख्याल रखें।